काला डोरिया तो ईद के फौरन बाद आना था, तो ये ड्रामा भी कहाँ गया? अभी तक ये लॉन्च क्यों नहीं हुआ? मुझसे काफ़ी दिन से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम टीवी का काला डोरिया कब रिलीज़ होगा। तो इनिशियली यही न्यूज़ आई थी कि ये ड्रामा, सबसे पहले न्यूज़ आई थी कि ये ड्रामा रमज़ान प्ले होने वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये रमज़ान प्ले नहीं है बल्कि ईद के फौरन बाद देखने को मिलेगा। और ऐसा ही होना था अगर फरहान सईद को इस ड्रामे से निकाल कर फ़र्ज़ी तौर पर उस्मान मुख्तार को ना लाया जाता। ऐसा कोई तकरीबन 10-15 दिन के लिए हुआ, उस्मान मुख्तार रहे ड्रामे में, शूटिंग भी नहीं हुई, बस उनका नाम आया और फरहान सईद को आउट कर दिया गया, और फिर अचानक से उस्मान मुख्तार को निकाल कर वापस से फरहान सईद को ले आए, जिसकी वजह से इसकी शूटिंग में डिले हो गया। अभी इसकी शूटिंग अब भी जारी है और तकरीबन अभी 50-60% शूटिंग कंप्लीट हुई है। तो ये ड्रामा प्रॉबेबली आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर हम टीवी पर देखने को मिल जाएगा। अभी जो इसकी फाइनल स्टार कास्ट है उसमें आपको फरहान सईद और सना जावेद ही देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को लिखा है साइमा करम चौधरी ने, जो इस साल हमें 2 सुपर डुपर ही ड्रामाज दे चुकी हैं, चौधरी एंड सन्स और हम तुम, और इसे डायरेक्ट करने जा रहे हैं अमीन इकबाल। तो आप बताएं कि आप सना जावेद और फरहान सईद के स्पेयर और इस ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या आप ये ड्रामा किसके लिए देखेंगे, इंडिविजुअली इन दोनों में से किसी के लिए, या फिर स्पेयर के लिए, या फिर मैम साइमा अकरम चौधरी के लिए, वो मुझे लाजमी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।